सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए अब हम व्याकरण प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आप सभी ने स्वर और व्यंजन इसके पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़ा और व्यंजन की श्रेणियां। सबसे पहला है स्पर्श। आप लोगों में से कई बच्चों ने स्पर्श गलत लिखा है, पूरा स लिखा है, लेकिन यह आधा स है। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन भी गलत लिखा है, तो इसको आप फिर से ठीक कीजिएगा। अंत उसके बाद स्थ, जो हम जब उच्चारण करते हैं तो भीतर की तरफ से आवाज आती है। उष्म, जब हम उच्चारण करते हैं ध्वनि हमारे मुंह के विभिन्न भागों को टकराती है, और इस समय जो तीनों श है, आपने ये भी पढ़ा है, स्पर्श 25 है, अंतस्थ 4 है, उसमें 4 है, तो तीनों श और ह का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा जीभ से टकराती हुई बाहर निकलती है और गर्म हवा बाहर निकलती है, इसी के कारण इसे उष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, क्षत्र ज्ञ श्र, तो इसमें भी गलतियां क्या हुई है इसको ध्यान दीजिए कि आपने वहां गलत किया है। पहला था क्ष, यकीन इसको जोड़कर बना है क जोड़ मूर्धन्य श। दूसरा था त्र, त जोड़ र ज्ञ। अधिकतर बच्चों ने गलत लिखा है ज्ञ, ज्ञ में ज, ध्यान पूर्वक सुनिए, ज जोड़ इय, इय य नहीं, इय च छ ज झ इय, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। और श्र, तलव्य श जोड़ र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री जो हम अपने मुंह के विभिन्न भागों से उच्चारण करते हैं, जिसमें नाक है, जीभ है, दांत है, कंठ है, तो उसके आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अघोष सघोष। घोष का अर्थ आप सभी जानते होंगे, ध्वनि जिसमें आवाज हो, लेकिन ये क्या है, अघोष अर्थात कम। सघोष, घोष के साथ जिसमें तीव्र ध्वनि हो। और स्वर तंत्री, जब हम उच्चारण करते हैं इन व्यंजन वर्णों का, तो हमारी जो स्वर तंत्री है जहां से उच्चारण होता है विभिन्न व्यंजनों का, अलग अलग से वह झंकृत होती है, उसमें आवाज का स्फुटन होता है। जैसे अघोष में है क ख अर्थात पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श, इसका उच्चारण आप करके देखिए कि किस तरह से आपके गले से आवाज आ रही है। क ख, आप जब उच्चारण करेंगे तो आपके गले में उच्चारण करते समय कुछ महसूस होगा। च छ ट ठ, अभी हम पहला और दूसरा केवल उच्चारण कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ग का, केवल क ख च छ नहीं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श। प्रत्येक वर्ग अर्थात क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, ये सारे वर्ग हैं, तो उन सब का पहला दूसरा और तीनों श अघोष व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें हमारी स्वर तंत्री में कम झंकार होता है, उच्चारण करते समय बहुत तेज आवाज नहीं आएगी। सघोष, सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अघोष में पहला दूसरा, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके अलावा य र ल व ह, अब आप उच्चारण करके देखिए कि दोनों में क्या कुछ अंतर है, जिनके आधार पर, उच्चारण के आधार पर इन दोनों का नाम है अघोष और सघोष। क ख च छ ट थ ट ख श श स, सघोष ग घ अंग, ग घ अंग,
अब जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको अपने आप अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि किसमें उच्चारण में कम दबाव है और किसके साथ अधिक दबाव हो रहा है। य र ल व ह। अब है प्राण मात्रा के आधार पर। बच्चों पहला हमने क्या देखा, स्वर तंत्री। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है प्राण मात्रा के आधार पर। मतलब हम जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है, वह हवा अधिक मात्रा में किस व्यंजन में निकल रही है, किस में कम, इस आधार पर इन व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन महाप्राण व्यंजन। मतलब उच्चारण करते समय किसमें हवा का वेग अधिक है, किसमें कम है। अल्प मतलब कम, अल्प प्राण मतलब जिसको उच्चारण करते समय हमें बहुत ज्यादा शक्ति न लगानी हो। महाप्राण जिनको उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हवा अधिक मात्रा में, महा का मतलब क्या हुआ अधिक, अल्प मतलब कम। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से कम मात्रा में हवा निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह से कम मात्रा में हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है और पहला तीसरा पांचवा सघोष भी होता है। ये भी याद रखिएगा, याद करने का तरीका भी है। पहला तीसरा पांचवा विषम क ग ङ क ग ङ च ज इय और इसके साथ अल्प प्राण व्यंजन है य र ल व, ठीक है, जिसको हम सघोष भी कहते हैं। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण मतलब उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग अर्थात क वर्ग च वर्ग ट वर्ग जो कि मैं पहले बता चुकी हूं, ख घ छ झ श, तीनों श और ह, इसका क्या उच्चारण है, श मूर्धन्य श श स ह। अब बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताती हूँ। आप अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए और हथेली का भाग नीचे रखिए और हाथ को इस तरह से कीजिए। इस जब आप हाथ को इस तरह से मोड़ लेंगे तो इस भाग को, ऊपरी भाग को आप अपने मुंह के नजदीक ले जाइए और उच्चारण कीजिए अल्प प्राण महाप्राण का। अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण दूसरा चौथा, और इसको आप देखिए कि क्या यह सही है। उच्चारण करते समय कहां पर हवा है जो आपके मुंह से निकलकर टकरा रही है और कहां पर कम हवा टकरा रही है। चलिए अब आप इसका अभ्यास कीजिए। क ग ङ च ज इय। अब आपने इन वर्णों का, व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण किया होगा आपको पता चल रहा होगा कि हवा मुंह से कम मात्रा में निकल रही है, अल्प मात्रा में निकल रही है। महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण कीजिए और मुंह के पास सटाकर आप महसूस कीजिए। ख घ ख घ छ झ श श स ह। आपने महसूस किया होगा कि हवा लग रहा है मुंह से बाहर निकलकर आपके हाथ के ऊपरी पृष्ठ पर उसको छू रही है। तो इसी आधार पर, इसी हवा के वेग के आधार पर नाम पड़ा है अल्प प्राण और महाप्राण। और अघोष और सघोष किसके आधार पर पड़ा है, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्री है वह जैसे झंकृत होती है उसके आधार पर है अघोष और सघोष।
तो बच्चों आपकी कक्षा में अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन यह कक्षा सातवीं में है, तो आप इनकी परिभाषा ऐसे लिख लीजिएगा, उदाहरण भी लिख लीजिएगा, और पूरा मैंने केवल इतना लिखा है, आप और लिखिएगा, प्रत्येक वर्ग से आप लिख लीजिएगा। मैंने क वर्ग च वर्ग लिखा है, ट वर्ग त वर्ग प वर्ग तीनों से लिख लीजिएगा, महाप्राण में भी आप तीनों लिखिएगा। बच्चों आप अभ्यास कार्य पर ध्यान दीजिए, दो व्यंजनों का संयोग, हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा है, संयुक्त व्यंजन में भी दो व्यंजनों का संयोग है अथवा दो से अधिक व्यंजनों का संयोग है, और कहीं कहीं द्वित्व व्यंजन भी है, द्वित्व मतलब दो। तो सबसे पहले यहां देखिए, दो व्यंजनों का संयोग ख्याति, मैंने उदाहरण में एक शब्द लिखा है ख्याति, ये जो आधा ख है यह किसके साथ जुड़ गया है, य के साथ, और इन दोनों के बीच में कौन सा स्वर नहीं है, अ का स्वर नहीं है, यहां पर व य से जुड़ा है, क त से जुड़ा है, इन दोनों के बीच में कौन सा स्वर नहीं है, अ का स्वर नहीं है, प्राप्ति प त के साथ जुड़ा है और इन दोनों के बीच में कौन सा स्वर नहीं है, अस्वर, और यह किनका उच्चारण है, संयुक्त व्यंजन, दो संयुक्त व्यंजनों का संयोग। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप चाहे तो अपने से सोचकर अन्य शब्दों को भी लिख सकते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग च छ। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, च प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला, और किसके साथ संयोग हो गया है, छ दूसरा, पहला दूसरा, अल्प प्राण महाप्राण इसको भी याद रखेगा, पहला दूसरा, ट कौन सा है, पहला, और ठ दूसरा। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान दीजिए, द किस वर्ग में आता है, त वर्ग में, त वर्ग में द का स्थान कौन सा है, त थ द, तो ये कौन सा हो गया, तीसरा, और ध चौथा। तो ये भी याद रखने की चीज है कि अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन में पहला दूसरे के साथ संयोग करता है, तीसरा चौथे के साथ। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मूर्धन्य श, ये हल्का चिन्ह है, मूर्धन्य श के साथ, मतलब आधा मूर्धन्य श के साथ ट ठ अण का संयोग करते हुए शब्दों का गठन, कृष्ण श ण, इसके अलावा और भी शब्द है, तृष्णा, प्रतिष्ठा स ठ, अवशिष्ट स ट, इसके अलावा अगर आपको कोई और भी उदाहरण आए तो आप उसको भी लिख सकते हैं, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का मतलब जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयुक्त हो, जब एक ही व्यंजन दो बार, व्यंजन त त त का प्रयोग दो बार, और ये हमने अभी तक जितना पढ़ा ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, और अलग अलग तरीके से इसको भी आपको समझना है, और इनका क्या क्या नाम है, इनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जब एक ही व्यंजन का प्रयोग दो बार, जैसे उत्तर, महत्वपूर्ण, बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप महत्वपूर्ण लिखते हैं तो हमेशा एक त लिखते हैं, जबकि दो त है, दो त मतलब एक ही व्यंजन दो बार प्रयुक्त हुआ, बच्चा च च, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब आपकी पुस्तक में है बच्चों, अब यहां पर समझ लीजिए, आपके पुस्तक में है शब्दों को शुद्ध रूप, आप कई बार बताने के बाद भी गलत वर्तनी लिखते हैं, वर्तनिंग अर्थात स्पेलिंग, ये जो लिखा हुआ है कई बार बच्चे देख कर भी गलतियां करते हैं, तो आपको आप पुस्तक के आधार पर शब्द है ये मैं दे रही हूं, इसके अलावा मैं अभी आपको दूंगी उदाहरण के स्वरूप, आपको सुधार कर लिखना है, हरियाली उच्चारण क्या है, हरियाली, आंधी, न्यारी, रूप, मौसम, मृदंग। अब जो मैं कुछ अलग शब्द हैं जो मैं आप अक्सर गलतियां करते हैं उनको आपके गृह कार्य के रूप में दूंगी, तो उसको आप समझ लीजिए कि कौन से शब्द हैं जो आप बहुत गलत करते हैं, आपको सुधार कर लिखना है।
मैं यहाँ पर अशुद्ध लिख रही हूँ, आपको इन्हें शुद्ध करके लिखना है। दूसरी गलती आपकी अक्सर इसमें होती है। ध्यान दीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ सुधारना है। कई बार आप देखकर गलतियां करते हैं, तो ध्यान पूर्वक अब आप कक्षा सातवीं में आ गए हैं, इतनी गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। आप इतने वर्षों से हिंदी पढ़ रहे हैं फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके अभ्यास कार्य में ये सारे शब्द दिए गए हैं ताकि आप उच्चारण को सीखिए और सही लिखना सीखिए। हिंदी भाषा में हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं बच्चों। तो ये जो शब्द हैं आपके लिए चार, और पांचवा शब्द जो आप सबसे अधिक गलत करते हैं उसको भी देखिए। और इसके बाद एक शब्द आता है दिन। यूं तो यह शब्द सही है लेकिन इस दिन का अर्थ गरीब होता है, लेकिन दिन अर्थात दिवस के संदर्भ में आप गलत अक्सर यही लिखते हैं। तो जब भी आप लिखिएगा आप वाक्य के अनुरूप इसको, यहाँ पर आप इसको सुधार कर लिखिएगा और लिखिएगा इसका अर्थ ताकि स्पष्ट हो जाए कि आपने क्यों इसको सुधारा है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा का समापन।